बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं आयशा गिल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियोस को लाइक और शेयर करें। आपको इस चैनल पे वो तमाम रेसिपीज़ जो आपको देखने बहुत ज़्यादा मुश्किल लगती हैं, वो बहुत ही आसान तरीके से मैं बनाना जो है वो बताती हूँ कि मैं उसे किस तरीके से आसानी के साथ जो है घर के ही किचन के सामान से मैं उन्हें बना लेती हूँ। तो जिन लोगों ने मेरे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है उनका मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि वो मुझे मेरी वीडियोस को लाइक करते हैं और मेरे चैनल को शेयर करते हैं मेरी वीडियोस को। तो आज जो मैं आपको रेसिपी बताने जा रही हूँ, रेसिपी की तरफ चलते हैं और बताती हूँ कि आज हम क्या बनाने जा रहे हैं। आज मैं बनाने जा रही हूँ कॉर्न और अंडे का सैलड वेजिटेबल्स के साथ। ये जो सैलड की रेसिपी मैं आपको बताने जा रही हूँ, ये बहुत ही हेल्दी किस्म का सैलड है, बहुत ही बेनिफिशियल है। बच्चे बहुत शौक से इस सैलड को खाना पसंद करते हैं। आपके यहाँ मेहमान आए, आप उन्हें भी ये बना कर दें, वो दोबारा से डिमांड करेंगे कि हमारे लिए वही वाला सैलड बनाएं आप। और अगर आप डाइटिंग पर हैं फिर तो बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल है आपके लिए। ये डाइटिंग में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है आपके लिए। एक ये है कि आपका पेट भी भर जाता है इससे और वज़न भी इससे कम हो जाएगा। तो चले चलते हैं रेसिपी की तरफ। मैं बताती हूँ कि किस तरीके से मैंने इन चीज़ों को किया है। पहले मैंने आलू को इसके छिलके उतार के क्यूब्स की शक्ल में कटिंग करके फिर मैंने इनको उबाला है। 3 आलू मैंने लिए थे, ठीक है, नॉर्मल साइज़ के। तो इनको मैंने कटिंग करने के बाद फिर मैंने इनको उबाला है। हल्का सा नमक मैंने डाल दिया था उबालते टाइम। कैबेज जो है ये मैंने हाफ से थोड़ी कम ली है, ठीक है, और इसको मैंने जूलियन कटिंग में बारीक बारीक काट लिया है। आधी मैंने शिमला मिर्च यानी कैप्सिकम ये मैंने ली है, इसको मैंने बिल्कुल छोटा छोटा सा क्यूब्स की शक्ल में चॉप कर लिया है। उसके अलावा एक टमाटर छोटे साइज़ का, उसके अंदर से सीड्स बीज जो हैं उसके निकाल के अलग करके उसको भी छोटा छोटा सा क्यूब्स की शक्ल में कटिंग कर लिया है। उसके अलावा ये गाजर है, गाजर छोटे साइज़ की गाजर, ठीक है, उसको मैंने कद्दूकस कर लिया था, क्रश कर लिया था। कॉर्न एक छली ली, उसको मैंने नमक डाल के उसको मैंने उबाल लिया और फिर उसके ये दाने ये निकाल दिए इस तरह से। उसको 2 अंडे मैंने उबाले हैं, हार्ड बॉयल करना है अंडों को, और इस तरह से मोटा मोटा क्यूब्स की शक्ल में इसको मैंने कटिंग कर दिया इसकी। चीनी 1 टीस्पून के करीब, नमक हसबे जायका, काली मिर्च 1 टीस्पून, मेयोनीज जाएगा इसके अंदर तकरीबन 2 से 3 टेबल स्पून भर के। इसके अलावा इसमें सोया सॉस जाएगा, सोया सॉस इसमें जाएगा 1 टेबल स्पून के करीब। ऑलिव ऑयल ये भी इसमें 1 टेबल स्पून के करीब ही जाएगा, ठीक है। तमाम चीज़ें आप देख सकते हैं जो है बहुत ही ज़्यादा सेहत के लिए अच्छी हैं, बच्चों के लिए, बड़ों के लिए और हमारे बुज़ुर्गों के लिए भी। तो अब इन सारी चीज़ों को मैं करती हूँ मिक्स। एक बाउल ले लेते हैं। अच्छा, आलूओं को आपने थोड़ा सा हार्ड बॉयल करना है, ठीक है, बहुत ज़्यादा इनको सॉफ्ट नहीं कर देना। चीनी, अगर आपके पास शुगर पाउडर है तो वो भी आप ऐड कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें, ये ऐड कर दिया। अगर आपके पास सोया सॉस नहीं है तो कोई मसला नहीं है, ना डालिए। ये देखें, ये भी 1 टेबल स्पून के करीब ऑलिव ऑयल। इसको करेंगे मिक्स। अच्छा, इसको मिक्स करते हुए बहुत ही नरमी के साथ, प्यार मोहब्बत के साथ आपने इसको मिक्स करना है ताकि हमारे आलू और जो अंडे हैं वो मैश ना हो जाएं। वैसे तो उनको हमने हार्ड बॉयल थोड़ा सा किया हुआ है, बहुत ज़्यादा नरम नहीं किया, लेकिन फिर भी उनके टूटने का जो है डर तो होता है ना, नाजुक सी चीज़ें हैं वो। हाँ जी, इसको मिक्स करके ये देखें मिक्स हो गया तकरीबन। अब मैं डिश आउट करती हूँ और आपको दिखाती हूँ।
मज़ेदार सा सैलड जो है आपने देखा झटपट से ये तैयार हो गया। आप भी इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, आपको और आपके बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद आने वाला है ये, और मेहमानों के लिए भी ट्राई कीजिएगा। उम्मीद करती हूँ आपको ये रेसिपी भी पसंद आई होगी। मिलती हूँ एक नई वीडियो के साथ, दुआ में याद रखिएगा। तब तक इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।